आज हम आपके साथ शेयर करेंगे सिंपल फटाफट से बन जाने वाली बहुत ही टेस्टी चिकन बिरयानी की रेसिपी। अगर आप खाना बनाने में एक बिगिनर हैं या फिर बैचलर हैं तो ये बिरयानी आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि ये बिरयानी सिंपल इंग्रेडिएंट से बहुत ही आसानी से घर पर आप बना सकते हैं। सबसे पहले जिस बर्तन में हमें बिरयानी बनाना है उसमें डालेंगे 3/4 कप तेल, 4 मीडियम साइज की प्याज है जिसे हमने पतले स्लाइसेस में काट लिया है इसे डाल देते हैं। मीडियम फ्लेम पर प्याज को हमें फ्राई करना है, इसका अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। ये बढ़िया सा गोल्डन कलर आ गया है प्याज में, क्रिस्पी भी हो गई है। बस इसी पॉइंट पर 1/2 कप इसमें पानी डाल देते हैं ताकि प्याज आगे जले नहीं। थोड़ा सा इसे मिक्स कर लेते हैं और इसमें हमें डालना है 1 किलो चिकन। अदरक लहसुन का पेस्ट है 3 चम्मच भरकर डाल लेते हैं। 1 चम्मच डालेंगे हल्दी का पाउडर, 2 चम्मच भरकर डालते हैं धनिया का पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे जीरे का पाउडर, हरी मिर्च क्रश की हुई है 2 चम्मच भरकर ये डाल देते हैं। 2 मिर्चों का अलग टेस्ट रहे इसलिए हम इसमें 1 चम्मच चिली फ्लेक्स भी डाल देते हैं। बिरयानी मसाला है ये 3 बड़े चम्मच भरकर, आप कोई भी ब्रांड का बिरयानी मसाला ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिया है एवरेस्ट बिरयानी मसाला। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 कप दही, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेते हैं, करीब 2 चम्मच इसमें सही जाएगा नमक। इसे और चटपटा बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे 1 नींबू का रस। अब सारे मसालों को मीडियम फ्लेम पर हम अच्छी तरह से भून लेते हैं। तेल जैसे ही सेपरेट होने लगे और मसाले की प्याज आप देखें कि अच्छी तरह से मसाले के साथ घुल गई है, तब तक हम इसे भून लेंगे। मसाले की भुनाई अच्छी तरह से हो गई है ये आप देख सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे 3 से 4 मीडियम साइज के टमाटर, पतले स्लाइसेस में इसे काट कर डालेंगे ताकि ये जल्दी से सॉफ्ट होकर मिक्स हो जाए मसालों में। 5 से 6 हरी मिर्च ली है मैंने, ये कम तीखी वाली हरी मिर्च है, इसे डाल देंगे, इसे और भी अच्छा फ्लेवर आ जाएगा बिरयानी में। 1 मुट्ठी भरकर बारीक चॉप किए हुए धनिया के पत्ते डाल लेते हैं और 1 मुट्ठी बारीक चॉप किए हुए पुदीने के पत्ते डाल लेंगे। पानी डाल लेते हैं इसमें 3/4 कप और सारी चीजों को मिक्स करने के बाद हम इसे ढककर पकाएंगे 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर चिकन सॉफ्ट होने तक। चावल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 से 4 लीटर पानी को गर्म कर लिया है, इसमें डालेंगे ये सारे खड़े मसाले। ये सारे मसालों की क्वांटिटी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। चावलों को खिले खिले बनाने के लिए इसमें डाल देते हैं 1/2 नींबू का रस और 2 से 3 चम्मच भरकर डाल लेंगे तेल। नमक थोड़ा ज्यादा डालेंगे, करीब 3 चम्मच। 3 से 4 मिनट के लिए हम इसमें बॉईल आ जाने देते हैं, फिर हम इसमें डाल देंगे 4 कप बासमती चावल। ये धोकर 1/2 घंटे के लिए भिगोए हुए चावल हैं और चावल को हम 80% तक पका लेंगे। बिरयानी के कोरमे को अभी चेक कर लेंगे, ढक्कन हटा लेते हैं। चिकन अच्छी तरह से पक चुका है, थोड़ी सी कसर रह गई है, बाकी ये पक जाएगा दम पर चावलों के साथ। बिरयानी की ग्रेवी इस तरह की थिक होनी चाहिए। अगर आपको लगे थोड़ा पानी ऐड करने की जरूरत है तो आप इसमें थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं। अब जो 80% पके हुए चावल हैं, इसका पानी मैंने ड्रेन कर लिया है, ये डाल देते हैं यहाँ पर। सारे चावल को अच्छी तरह से मसाले पर फैला लेंगे। थोड़ा सा येलो फूड कलर और ऑरेंज फूड कलर मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, आप चाहें तो इसमें केवड़ा वाटर भी डाल सकते हैं। घी डाल देते हैं 1 बड़ा चम्मच भरकर, ताकि ऊपर के चावल जो है ये रूखे ना बने। ढक देंगे और इसे 15 से 20 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पर दम पर पकने के लिए छोड़ देते हैं। बिरयानी जैसे ही दम पर पक जाए इसे 10 मिनट के लिए हम इसी तरह से छोड़ देंगे, फिर हम ढक्कन हटा लेते हैं और बिरयानी को नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह से चम्मच चलाते हुए हम मिक्स कर लेंगे। अब ये चिकन बिरयानी सर्व करने के लिए रेडी है। दही वाले रायते के साथ इसे सर्व कीजिए। बहुत टेस्टी, मजेदार और आसानी से बन जाने वाली बिरयानी है। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पे अगर नए हैं तो ऐसे ही आसान मजेदार रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।